सही दिशा में मेहनत करने से बड़ा कार्य किया जा सकता है। मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। रीवा शहर के जेपी दुआरी निवासी सीमा द्विवेदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सीमा एक सामान्य हाउसवाइफ थी, लेकिन अपने मेहनत के बलबूते सरकारी योजना का फायदा लेते हुए आज उन्होंने अपना खुद का पेवर ब्लॉक का उद्योग स्थापित कर लिया है और वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ से एक सफल बिजनेस वूमन बन गई हैं। इनके लिए भी सफलता प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। सीमा बताती हैं कि अपना परिवार चलाने में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था, तो उन्होंने अपने मनोबल को नहीं घटाया और अपने पति के साथ साथ खुद का अलग से बिजनेस करने का सोचा। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के उद्यम क्रांति योजना का फायदा लिया और जिसके तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को अपना खुद का उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। मेरा नाम है सीमा द्विवेदी। मैं पेवर ब्लॉक की जैसे मैंने पहले भी सोचा था, मगर उसके पहले मैंने अपने आप को सर्टिफाइड नहीं कर पाई कि मैं ये काम कर पाऊंगी। मगर जब मैंने देखा कि रीवा जिले में पेवर ब्लॉक की काफी डिमांड है, तो मैंने इसकी यूनिट के बारे में सोचा। फिर मेरे पास तो कुछ पैसे थे, मगर मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। मैं उद्योग विभाग गई, उद्योग विभाग से मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि अगर आप कर सकती हैं तो बिल्कुल करिए। फिर उन्होंने उद्योग विभाग की सहायता से मुझे, उद्योग विभाग वालों ने बहुत सहायता दी। प्लस मैं बैंक गई, बैंक की मैडम ने, स्वाति तिवारी जी ने मुझे बहुत सहायता की, और आज मैं उन्हीं की सहायता की वजह से आज मैं इस स्थिति पे हूँ कि मैं आज 10-12 लोगों को रोजगार दी हुई हूँ। और मेरा पेवर ब्लॉक की यूनिट मैंने मई में खोली थी, और अभी तक मई से लेके अभी अगस्त लगा हुआ है, मैंने कम से कम 3 लाख का पेवर मैंने बेच चुका है। और मतलब इतना तो है कि अगर गई गुजरी स्थिति में भी अगर कोई करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, तो 30 से 40 हज़ार रुपये आराम से आ जाते हैं। और आज मैं इस, मुझे खुशी इस बात की कि मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी यूनिट डालूंगी। और ये सब मुख्यमंत्री जी की वजह से, बहुत बहुत धन्यवाद। उद्यम क्रांति योजना की स्कीम से मैंने लोन लिया और मैंने आज यूनिट डाला, और आज मैं इतनी अच्छी स्थिति पे हूँ कि मतलब 30-40 हज़ार रुपये मेरे महीने के आराम से निकल रहे हैं। और प्लस महिला को उन्होंने आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, क्योंकि महिला को हर जगह पहले दबाया जाता था, मगर आज महिला एक उद्यमी बनके, तो आज मेरे से लोग प्रेरणा लेने आते हैं, तो एक खुशी मुझे ये भी मिलती है कि लोग मेरे से प्रेरणा लेने आ रहे हैं। और मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, मुझे उद्योग विभाग का, बैंक का, और जिस जिस डिपार्टमेंट में मैं गई, मुझे हर जगह बहुत अच्छा सहयोग मिला, और उन्हीं के सहयोग की वजह से मैं आगे बढ़ पाई हूँ। 15 लाख रुपए का ऋण लेने के बाद उन्होंने अपने खुद के पास से पति की मदद से 15 लाख रुपए इस उद्योग को स्थापित करने के लिए और लगाया और अपने ही क्षेत्र में पेवर ब्लॉक का कारखाना खोल दिया। आज यह कारखाना उनके आर्थिक स्रोत का प्रमुख आधार बन गया है। अब उन्हें परिवार चलाने में कोई समस्या नहीं हो रही है, पूरा परिवार खुशहाल है और सीमा खुद आत्मनिर्भर बन चुकी है। इस उद्योग से शुरुआती दौर में ही सीमा को अच्छी कमाई और बचत होने लगी है। महीने में लाखों रुपए वो कमा लेती हैं और दिनों दिन उनका उद्योग बढ़ता जा रहा है। पूरे जिले में उन्हें पेवर ब्लॉक की सप्लाई का ऑर्डर मिल रहा है। सीमा का कहना है कि इस उद्योग को स्थापित करने के बाद आज वो खुद 10 से 12 लोगों को रोजगार दे रही हैं और शुरुआती महीने से ही 30 से 40 हजार रुपए की बचत वो इस उद्योग के जरिए कर लेती है। मैंने 15 लाख रुपए मैंने उद्यम क्रांति योजना से मैंने अपनी स्वेच्छा से भरा था, जबकि मैं ज़्यादा चाहती तो मुझे ज़्यादा भी मिल सकता था, मगर मैंने अपनी स्वेच्छा से 15 लाख रुपए मैंने उद्यम क्रांति से लिया, और मैंने 15 लाख रुपए ही मैंने अपने से लगाया है, क्योंकि इसमें, इस यूनिट में लगाने में 30 से 40 लाख रुपए तक लग जाते हैं आराम से।